हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। जैसा कि फरवरी स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी को बता दूं, इस मंथ में हमें हर साल WWE का पीपीवी दिखता था, बट इस साल इस मंथ में हमें सऊदी अरेबिया का इवेंट सुपर शो डाउन दिखेगा, जो कि 27 फरवरी 2020 को होगा। इस पीपीवी के लिए फर्स्ट मैच स्मैकडाउन से सामने आ चुका है। वहीं और कौन कौन से मैच इस पीपीवी में दिख सकते हैं, जिनके होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, स्मैकडाउन से न्यू डे वर्सेस मिज और मॉरिसन के बीच स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक मैच कंफर्म हो चुका है। इन टीम्स के बीच मैच तब कंफर्म हुआ जब मिज और मॉरिसन ने नंबर वन कंटेंडर मैच को जीता था। हालांकि उससे पहले से ही इनके बीच फ्यूड दिख रही है और फाइनली इनके बीच मैच का ऐलान हो चुका है। यकीन मानिए, ये मैच इस इवेंट का अच्छा मैच साबित होगा। वैसे भी जॉन मॉरिसन ने स्मैकडाउन पर जब रिटर्न करा तो वो मिज के साथ टीम में आए और तब से ही न्यू डे के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट मैच हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस शेमस के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिख सकता है। जैसा कि हाल ही में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने स्मैकडाउन पर नाकामुरा को हराकर टाइटल जीत लिया था, वहीं अब लॉजिक तो ये कहता है कि नाकामुरा को रीमैच मिलना चाहिए, बट हो सकता है कि WWE नाकामुरा को टाइटल रीमैच स्मैकडाउन के किसी एपिसोड में ही दे दे और मे बी ना भी दे, क्योंकि इनके बीच काफी मैच हमें दिख चुके हैं और इसी इवेंट में WWE कुछ नया दिखाना चाहेगी जिससे फैंस को फन और मजा दोनों एक साथ मिले। और वैसे भी शेमस वापसी के बाद शॉर्टी जी के खिलाफ 2-3 जीत हासिल कर चुके हैं, तो वो अब इस फ्यूड में आने के लिए रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट मैच हमें मंसूर वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच मैच दिख सकता है। जैसा कि मंसूर सऊदी अरेबिया के ही सुपरस्टार हैं और जब उनके ही होम टाउन में ये बड़ा इवेंट हो रहा है तो WWE उन्हें भी पिछली बार की तरह इस इवेंट में बुक करेगी। हालांकि इसके लिए इन दोनों के बीच फ्यूड तो नहीं दिखेगी, बट ये मैच दिखने की उम्मीद है। वही लास्ट टाइम मंसूर ने सऊदी अरेबिया में सिजारो को हराया था, तो इस बार मंसूर का मैच डॉल्फ जिगलर के साथ दिख सकता है, क्योंकि डॉल्फ जिगलर का हारना मंसूर के खिलाफ ज्यादा मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट मैच हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज के बीच दिख सकता है। जैसा कि रिसेंट में रॉयल रंबल में एज ने वापसी करी थी और उसके बाद वाली रॉ के एपिसोड में रैंडी ऑर्टन ने बुरी तरह से एज को मारा था, जिसके बाद इस मैच के होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब वैसे तो इस मैच के होने के चांस रसलमेनिया 36 में लग रहे हैं, बट मैं इस मैच को इस लिस्ट में इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि इनके बीच फ्यूड की शुरुआत सऊदी अरेबिया के इवेंट से पहले ही हुई है और अभी रसलमेनिया 36 में काफी टाइम बचा है, तो अगर ये मैच वहां दिखना होता तो WWE इस फ्यूड को थोड़ा लेट भी शुरू कर सकती थी, बट उसने सऊदी अरेबिया के इवेंट से पहले इस फ्यूड की शुरुआत करी है, तो इस वजह से मैंने इस मैच को इस लिस्ट में ऐड करा है। नेक्स्ट मैच हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रिकोशे के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच दिख सकता है। जैसा कि ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर के बीच रसलमेनिया 36 के लिए मैच सामने आ चुका है, वहीं अब ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल से पहले रिकोशे के खिलाफ भिड़ंत में दिखाई दे चुके हैं। और तो और, रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर के एलिमिनेट होने की बड़ी वजह रिकोशे ही थे। अब जाहिर सी बात है कि इनके बीच जो कुछ दिख रहा है उससे साफ है कि इन दोनों के बीच हमें सऊदी अरेबिया में मैच दिख सकता है। हालांकि रिकोशे ब्रॉक लेसनर के मुकाबले काफी लाइट वेट सुपरस्टार हैं, बट WWE ब्रॉक लेसनर को रसलमेनिया 36 तक ऐसी ही फॉर्मल फ्यूड में डालेगी ताकि ब्रॉक लेसनर दिखते भी रहे और उन पे टाइटल भी बना रहे, क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर रसलमेनिया 36 से पहले नहीं दिखेंगे तो ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉक लेसनर के मैच को WWE हाइप नहीं दे पाएगी। नेक्स्ट मैच हमें द फिंड वर्सेस केन के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच दिख सकता है। अब इन दोनों के बीच मैच रॉयल रंबल से पहले ही टीज हो गया था जब फिंड ने केन पर अटैक करना चाहा था, बट फिंड उस टाइम डेनियल ब्रायन के साथ फ्यूड में थे, जो कि रॉयल रंबल में ओवर हो चुकी है। अब WWE फिंड को केन के खिलाफ मैच लड़वा सकती है। वैसे भी इन दोनों के बीच फ्यूड पहले से ही रेडी मेड है, वो इसलिए क्योंकि फिंड ने जब इन रिंग रिटर्न करा था तब उन्होंने केन पर भी अटैक करा था। वहीं सऊदी अरेबिया के एडवर्टाइजर ने इस मैच को सऊदी के इवेंट के लिए एडवर्टाइज भी करा है, तो इस मैच के होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। नेक्स्ट रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच मैच दिख सकता है। काफी बड़ा और मेगा मैच साबित होगा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। रिसेंट में इन दोनों सुपरस्टार के बीच ट्विटर पर हमें कुछ गहमा गहमी भी देखने को मिली थी। WWE इस मैच को काफी टाइम से कराने की सोच रही है, बट उसे सही टाइम नहीं मिल रहा था। वहीं गोल्डबर्ग के इस इवेंट में दिखने के चांस इस वजह से भी हैं क्योंकि उन्होंने WWE के साथ सऊदी अरेबिया के लिए मल्टी मैच डील साइन करी हुई है और गोल्डबर्ग के पास मौका होगा लास्ट टाइम सऊदी में अपनी खराब परफॉर्मेंस को अच्छा साबित करने का। वहीं रोमन रेंस एक बार फिर हमें लेजेंड्स के खिलाफ दिख सकते हैं।
WWE इस मैच को सऊदी अरेबिया में इस वजह से भी कराना चाहेगी क्योंकि वो इस मैच को अमेरिका में नहीं करा सकती है। वो इसलिए क्योंकि गोल्डबर्ग WWE के बड़े और लेजेंड सुपरस्टार हैं और उनकी काफी फैन फॉलोइंग है, तो WWE को डर है कहीं इससे रोमन रेंज की इमेज को नुकसान ना हो, जैसा कि अंडरटेकर के मैच के बाद हुआ था। वैसे आप में से कितने लोग इस मैच को देखना पसंद करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, इस इवेंट में अंडरटेकर के भी दिखने के काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, बट अभी मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो इस इवेंट में किसके खिलाफ मैच लड़ेंगे, इस वजह से मैंने उनका मैच यहाँ ऐड नहीं करा है। वैसे आपको क्या लगता है कि वो इस इवेंट में अगर दिखेंगे तो किसके खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे स्पीयर रनिंग पावर स्लैम DDT मार्कर चैनल सब्सक्राइब करें मगर प्यार से। थैंक यू।